नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल डीडीबी कैंपस में नए उत्साह और नई उमंग के साथ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 13 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सीरियल बैंकिंग इत्यादि परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ जाते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे चैनल पर सुपर 30 क्वेश्चन, जिसमें कि फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान आएंगे, तीनों सब्जेक्ट आएंगे, जिसमें कि आपको वो इम्पोर्टेंट 30-30 क्वेश्चन पर डे बताए जाएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर से निकाले गए हैं तथा उसको विथ सॉल्यूशन के साथ बताया जाएगा आपको। दोस्तों, उसकी लिंक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही आरआरबी के जीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बताया जा रहा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। और दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि आप लास्ट पहले वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और लास्ट तक जाते जाते आप भूल जाते हैं। तो प्लीज़ आप पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, श्रीलंका के नए विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा ऑप्शन क्या है दोस्तों, दिनेश गुरुवर्धने जी को श्रीलंका के नए विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किस विधानसभा का मानसून सत्र आज शुरू हो रहा है? तो हमारा सही आंसर क्या होगा, नागालैंड विधानसभा। नागालैंड विधानसभा का आज नया मानसून सत्र शुरू हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के अध्यक्ष कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उनका नाम क्या है? आपसे हम ये भी पूछ सकते हैं कि राम जन्मभूमि का अध्यक्ष कौन है, और वो और अब तो वो कोरोना पॉजिटिव भी हो गए, इसलिए वो मार्केट में मतलब न्यूज पर ज्यादा छा गए। तो उनका नाम क्या है दोस्तों, नृत्य गोपाल दास। नृत्य गोपाल दास कौन है, राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और उनको कोरोना पॉजिटिव हो गया, और उनका कोरोना हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, रिलायंस फाउंडेशन की चेयरमैन नीता अंबानी और अमेरिकी राष्ट्रपति की बेटी इवांका ट्रंप ने भारत में किसके खिलाफ लड़ने की घोषणा की है? तो हमारा सही आंसर क्या होगा, डिजिटल जेंडर डिवाइड के खिलाफ लड़ने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किस राज्य की मेट्रो डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के प्रयोग करने के लिए अपने सिस्टम को किसमें अपग्रेड करने वाली है? तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, दिल्ली मेट्रो डीएमआरसी। डीएमआरसी जो है अपने सिस्टम यानी अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना चाहती है, क्योंकि जो मेट्रो कार्ड आप लेते थे वो मेट्रो कार्ड आप नहीं लेंगे, टिकट नहीं लेंगे, फिर भी अगर आपके पास डेबिट कार्ड या फिर अपना क्रेडिट कार्ड है तो आप उससे अपना ट्रेवल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, दवा कंपनी जायडस कैडिला ने कोविड 19 के लिए किस दवा को भारतीय बाजार में पेश किया है? तो हमारा सही आंसर क्या होगा, रेमडेक। रेमडेक को भारतीय बाजार में पेश किया है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड कितने केस सामने आए हैं? तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 66,999, जिसमें कि 942 लोगों की मौत हो गई है। कितने देर में, तो 24 घंटे में 942 लोगों की मौत हुई है। और नया केस कितना आया दोस्तों, तो 66,999 नया केस आया है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई है? तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 23,96,638 हो गई है, जिसमें कि 47,033 लोगों की मौत हो गई है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने किस आदेश में संशोधन करके पिता की संपत्ति में लड़कियों को बराबरी का हक देने की घोषणा की है? तो हमारा सही आंसर क्या होगा, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत अगर कोई भी लड़की अपने पिता की संपत्ति में से बराबरी का हिस्सा लेना चाहती है तो वो ले सकती है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, विश्व अंगदान दिवस प्रतिवर्ष किस रूप में मनाया जाता है? तो किस रूप में, किस दिन को मनाया जाता है दोस्तों, तो 13 अगस्त को मनाया जाता है। आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये याद रख सकते हैं, क्योंकि जो आगामी दिल्ली पेपर है, दिल्ली की दिल्ली पुलिस एग्जाम है, उसमें ये पूछ सकता है कि विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, 13 अगस्त को। तो दोस्तों, ये है हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू।